आवाज ना करना हो रही हूँ मैं तो बस तेरी। ये एसएल बता रहा पीएच हाँ नहीं पीएच नहीं ये टैंक का लेवल बता रहा है। ओके लेवल देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद तीन बड़े बड़े ये आपको सी डब्ल्यू मेकअप मिल जाता है। सी डब्ल्यू कूल वाटर के लिए जो है ना उसमें मिल जाता है। उसके बाद दो छोटा पंप देख रहे हैं जो है दो डबल वाटर के लिए और कुछ। उसके बाद ये तीन पंप जो देख रहे हैं आप डीएम प्लांट के लिए डीएम वाटर बनाने के लिए जैसे कि इसमें देख रहे होंगे सबसे उस साइड वाला पंप चल रहा है। एक पंप चल रहा है तो यहाँ से पानी लेके हम लोग अभी डीएम वाटर बना रहे हैं। ठीक है यहाँ से खींच के वो उधर जाते हैं उस साइड डीएम प्लांट। चलिए गाड़ी रुकेंगे ये लोग आ जाएगा। नंबर उम्र है कोई है साथी आपका कैलरी फाई भी है ये कैलरी फाई ये इधर है। हाँ वहाँ लू है यहाँ पे लू है वहाँ वापस जो आप लोगों ने ऊपर देखा था वाइनर फील पंप है एंड डू नॉट ऑपरेट विदाउट एनी बस कपलर इतने छोड़ तो अभी तो ज़्यादा कूलिंग वाटर चाहिए। हाँ लगातार दोनों क्लेरिफाई चलेगा तो लगातार इन दोनों का रैक ड्राइव और टर्बो चलेगा। सी डब्ल्यू मेकअप है दो पंप हमेशा चलना है तो एक पंप को स्पेयर रखते हुए में हाँ चलता रहता है। तो फिर भी है कोई पंप ऐसा है जो 24 घंटे चलता रहता है। इसी तरह से कई सारा पंप है एचवीएसी पंप है डीएम मेकअप पंप है जो डीएम वाटर हमेशा जो है सो बॉयलर में प्रोवाइड करता है वो सब 24 घंटे चलने वाले तीन पंप है तो बदल देते हैं। कुछ है जो जैसे ये है अब क्लेरिफाइड एक नंबर क्लेरिफाइड में एक ही रेक ड्राइव है तो ये तो चलेगा ही 24 घंटे का। वो अगर महीने भर चल रहा है तो महीने भर से चल रहा है दो महीने चल रहा है चलिए डीएम प्लांट
खत्म हो गया था डीएम प्लांट। अच्छा डीएम प्लांट। डीएम प्लांट एफएस कंट्रोल में फिलहाल बैटरी खत्म हो गई। गर्मी से परेशान हूँ। क्या हुआ? वो इस्त्री का लाना। सर बोले मंडे को आने इन डायरेक्ट अब डीएम प्लांट प्रेशर प्रेशर सुनते लेकिन अगर डीएम वाटर बनाना है तो यहाँ से लेकर वहाँ तक का पूरा चैनल चलेगा एक ही काम करता जी। सबका अलग अलग रोल है तो मैं बताऊँगा आपको क्या क्या करते हैं। तो ये अभी जैसे इसमें देखिए ये प्रेशर नहीं है, इससे देखने में लग रहा होगा ये बंद है लेकिन ये वाला में प्रेशर दिख रहा है ये सब लोग चार्ज। ठीक है तो हमारा पंप दिखाया था मैंने कि डीएम वाटर बनाने के लिए पंप चल रहा है। वो पंप क्लेरिफाइड वाटर को यहाँ पे ले आए। अब यहाँ से डीएम वाटर बनने का प्रोसेस चालू होगा। तो सबसे पहला है आप लोग देखते होंगे प्रेशर फिल्टर लिखा हुआ है। यस सर। एक्चुअली ये पूरा नाम इसका प्रेशर सैंड फिल्टर सैंड। फिर इसके अंदर जो है ना रेत का एक लेयर बना हुआ है जैसे जैसे आर ओ में रहता है फिल्टर करते हैं। हाँ उसमें कैसा होता है इसमें रेत का एक लेयर बना होता है जिससे ये पहले फिल्टर होता है। पंप का प्रेशर से ऊपर से गया फिल्टर होके नीचे आउटलेट से निकल गया। ठीक है पहला ये है प्रेशर फिल्टर। इसका ऐसा तो नहीं है कि ये रेत है तो हम लोग रेगुलर इसको साल दो साल पाँच साल फिल्टर करते ही जाएंगे। इसका क्या कैपेसिटी होगा इस दिन ये अच्छा प्रोडक्शन देगा फिल्टर करने का। उसके बाद इसके आउटलेट पे मतलब जो हमारा पैरामीटर चाहिए वो एल हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में सभी के लिए एल होता है। दूसरे साइड पर लीजिए इसको फिर से फेस कीजिए। तो ये प्रेशर सैंड फिल्टर जो है इसको हम लोग बैकवास करते हैं। टकले में रहता है छोटा छोटा कोयला ही रहता है वो छोटा मतलब इस साइज का सेम टुकड़ा। क्लोरीन यहाँ पे आउटलेट पे नील होना चाहिए बिल्कुल भी क्लोरीन नहीं होना चाहिए। जो वहाँ हम लोग बताए थे कि अभी थोड़ा मतलब वो कम डोज कर रहे हैं इसीलिए यहाँ डीएम प्लांट प्रोडक्शन में है अभी। तो यहाँ आउटलेट पे क्लोरीन आ ना जाए इसलिए थोड़ा हम लोग डोजिंग ही कम कर दिए। दो चीज़ समझ गए इसमें नहीं होना चाहिए। इसका भी सेम है वही इसे चलने के बाद तो ये एग्जस्ट होगा ना 1000 1200 1400 चलने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। इसको बैकवास सिंपल पानी से करते हैं। नीचे की तरफ से पानी दे दिए ऊपर से निकाल के बहाते रहे जब तक कि वो गंदा जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो निकल के साफ़ ना हो जाए। साफ़ हो गया फिर से रिंच करके सर्विस में ले लिए। दूसरा कॉलम हो गया उसके बाद है वीक के टाइम और स्ट्रॉन्ग के टाइम। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। है तो अलग वैसे दोनों लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों का कोयला सिंपल इतना कोयला टेस्टिंग होता है। देखो रोल क्रशर जॉब क्रशर ये है ना तुम अपने कॉलेज में। हाँ है मैकेनिकल में तो है ही है मैकेनिकल में है ही है ये वाला। चलो चलो आगे चलिए देखो कोयला टेस्टिंग है। ये कोयला है इसमें छोटा छोटा पार्ट में बनाता है क्लास करता है ग्लास उसको बंसी से गया है अंदर अंदर बिहार में एन टी पी सी में ऐसी है तो लेने चलिए। अच्छा जी एक हमेशा फुल रहता है
नियम वाटर टैंक कैपेसिटी सर्विस में दे दिया दूसरा फिलिंग करके बाद फिर ये खाली होगा 60-70% फिलिंग कर दो टैंक है टैंक ए टैंक बी कंट्रोल करता है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल का आप लोगों का है सारा कहाँ अरे उन सब चेक करने गए सर और यहाँ पे देख सकते हैं नियम प्लान है एनटीपीसी का डीमिनरलाइज वाटर बैटरी पूरा कनेक्शन एक साथ तो सारा बैटरी है हमारे फोन कौन सो यहाँ हमको लगा कि फ्लैया लेटा हुआ है कोई कोना में बैठ जाता हूँ डीएम के कंट्रोलिंग रूम में आए हुए हैं एंड ठीक करो सर कुछ बता रहे हैं तो इधर आ जाइए इधर बैठा हुआ है भूख तो नहीं आया है बट जितना हो सके कंट्रोल कर खराब नहीं होगा कौन सा पूछ रहे थे करेंट यहाँ जीरो आउटपुट करेंट सर जीरो है यहाँ पर सर लेकिन वोल्टेज यहाँ 400 है यहाँ 200 है फ्रीक्वेंसी मीटर 50 हर्ट्ज देखिए यही तो है आप लोग का डिपार्टमेंट का चीज़ है और ये रिफायर होगा एक और दो ये अगला ये चेम्बर से एक तक उसके ये आता है इसमें पानी और इसका ये घर आता है दोनों का दो इसका रिफायर होगा इसका रिफायर से इसमें है ना रिफायर से यहाँ पानी आता है इसमें ये उसी जगह का रिफायर वाला टैंक मतलब पीछे यहीं से पंप चलता है इसमें ये मेकअप के लिए तीन पंप है और इसकी डी को टेबल चेंज की बात करते हैं ये पंप है और इस कूलिंग के लिए पानी है जो वाटर साइड और स्ट्रॉन्ग जैसे लाइन इसके बाद ये तो जाता है मिक्स वेट के पास सर्विस में है और ये मिक्स वेट सबके लिए अपना डी एम वाटर से यही इसका प्रोसेस ये मतलब इसका 700
ये जा रहा है डीएसएल में ग्लोबर लगा दिया है ना, ये इसका काम है सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होता है। उसके बाद पर ये पानी आता है बीच में से, ना बीच से फिर स्ट्रॉन्ग में जाता है, उससे क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग से जाकर फिर वो पंप चलता है, डीएसएल का पंप चल रहा है। उसके बाद यहाँ आ गया बीच में, ये भी आप देखे हैं वहाँ का, जिसके बाद ये आ गया बीच में, सिस्टम चल ही रहा है। यही से ये आउटलेट इसका जाता है पीएम वाटर टैंक स्टोरेज टैंक। डीएसएल वाटर का ही लाइन उसमें जाता है, इसे देखिए वहाँ और इससे जो है ना ये जा रहा है वाटर और पानी में जा रहा है आपको प्रेशर में, यस सर यस सर। मिलेगा तो मिलेगा नहीं, गल गल जाएगा ना, सीधे गला देगा हड्डी, क्लोराइड बोलने एसिडिक तो है। लग रहा है वैसा ही, लेकिन उड़ाना बहुत हो जो है ना, इसमें घिरनी घूमता है ना, तो जितना डस्ट होता है धीरे धीरे बैठ जाता है ना, जमा हो जाता है और उसको निकाल कर सलज खोल के बाहर। इसका डीप सा कितना होता है उसी के बराबर यूट्यूब पे? इसलिए तो लड़की ऊपर नहीं आने दी, छोटा है सर, थोड़ा जल्दी बताइए, बैटरी डाउन हो जाए, आवाज़ ना करना। वाटर वो तीनों चला गया, कौन तीनों वो तीनों जाने दीजिए हम। सर थोड़ा जल्दी फास्ट बताइए, मडी वाटर है कौन है? ठीक है, थोड़ा सा बता दीजिए, दो मिनट आइए, अगर हम ड्यूटी में यहीं रहते हैं ठीक है, तो ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर, गैलरी फायर ये चल रहा है वे, ये चल रहा है, हाँ घूम रहा है यहाँ पे, घूम रहा है क्या? गाइस मेरे को ये देखना है बीच में कितना देख रहा है भाई, कितना सा पानी हो रहा है भाई, जमीन है उसमें सारा गंदा,
देख रहे हो कितना धीरे धीरे गाय जो रोटेट हो रहा है सर्कुलर मूव कर रहा है चलो सर उधर बता रहे उधर चलते जो कोई भी ज्ञान दे वो सर हो लिखा हुआ भूतिया मॉल है भूतिया मॉल है स्त्री होगी स्त्री पानी फिल्टर करता है गाइस यहाँ पे एंड फिलहाल ये क्या दिखा देते हो यार सब देखने लगता है नहीं है तो हे गाइस एनईपीसी आज डे 4 था एंड डीएम प्लान बताया गया डीएम आज बताया गया डीएम प्लान के बारे में डीएम मिनरलाइज वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो सब बताया गया था एंड